सभी को मेरा नमस्कार। इस तीसरे भाग में हम उस ठहराव की बात करेंगे जब गीत में एक ताल खत्म होकर दूसरी ताल आरंभ होती है। यह समय 1 सेकंड या इससे कम समय के लिए, 2 या 3 सेकंड के लिए भी हो सकता है। तो इस स्थिति में ये जो पॉज या ठहराव की स्थिति है, इसको हम भरावन से भरते हैं। भरावन से भरने का मतलब ये है कि एक फिलर्स जिसे कहना चाहिए, एक उदाहरण में समझाता हूँ। जैसे एक सामान्य ताल बज रही है, अब गीत का मुखड़ा खत्म हो गया है और अचानक दूसरी ताल आरंभ होती है, तो जब ये प्रथम ताल खत्म हो गया, ये दूसरी ताल आरंभ होती है, इस बीच थोड़ा सा हल्का सा गैप रहता है। इस गैप को भरने के लिए हम फिलर्स या भरावन का इस्तेमाल करते हैं। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे घर में गुजिया बनाते हैं त्योहारों पर। तो ये लोई है तो कागज़, लेकिन इसको अगर मैदे की लोई माने, तो जब हम इसको गोल बना के इसको फोल्ड करते हैं, तो एक ताल के बाद दूसरी ताल आरोपित हो रही है, तो बीच में कुछ गैप है। तो जैसे गुजिया में हम ड्राई फ्रूट्स, सूजी या मावे से इसमें भरावन देते हैं ताकि स्वाद बढ़ जाए, उसी प्रकार से गीतों में भी एक ताल से जब दूसरी ताल आरंभ होती है, तो इस तरह की कुछ भरावन देते हैं ताकि गीतों की मधुरता बनी रहे। अब ये किस प्रकार की हो सकती है, जैसे मैंने एक ताल का उदाहरण देता हूँ आपको। अब जैसे ये ताल खत्म होती है और एक दूसरी ताल आरंभ करते हैं, तो एक ताल खत्म होने पर जो दूसरी ताल आरंभ होती है, उस भी जो हल्का सा गैप है 1 सेकंड या कुछ 1 सेकंड से कम समय के लिए, उसमें हम इस तरह के फिलर्स या भरावन देते हैं। अब देखिए आप, तो ये जो प्रक्रम किया, ये भरावन के रूप में है, फिलर के रूप में। ये फिलर्स आप या भरावन प्रत्येक खंड पर अलग से दे सकते हैं, जिस तरह से ये दिया जा रहा है। एक तो ये, और ये प्रत्येक खंड पर न देके 2 या 3 खंडों पर भी इकट्ठे दे सकते हैं, और ये अलग अलग तरीके से होते हैं। ये मैं चीज़ इसलिए पहले बता रहा हूँ, जब आप ताल सीखेंगे, तो ताल सीखते के बाद जैसे ही आप गीतों पर आएंगे, तो आपको ये चीज़ें पहले से ही मालूम होंगी कि कब फिलर्स का यूज़ करना है या भरावन का यूज़ करना है, कहाँ ठहराव की स्थिति है। इसलिए मैंने ये भाग पहले ले लिया। और अब आते हैं उसी मुद्दे पर, प्रत्येक खंड पर भी आप ये फिलर्स दे सकते हैं, 2 तालों के बीच जो प्रयोग में लाए जाते हैं, और ये अलग अलग तरीके से होते हैं। आप इस तरह का भी यूज कर सकते हैं, जैसे एक ताली बजी, अब फिलर आएगा, तो आप प्रत्येक खंड पर या 2 से अधिक खंड पर भी इनका यूज कर सकते हैं। मेरे पास 4-पीस ड्रम है, हो सकता है किसी पर 3-पीस ड्रम हो, तो 3-पीस में आप इसको इग्नोर करें और इस तरह से इसको यूज करें। तो इस तरह के फिलर्स होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक बार फिर देख लेते हैं, एक ताल, अब ये ताल खत्म हुई, ये दूसरी ताल, थोड़े से चेंज पर ही है दूसरी ताल, तो ये जो भरावन है 2 तालों के बीच हमें देनी है। यह चीज़
प्रत्येक खंड पर या दो से अधिक खंडों पर भी हम उसका यूज कर सकते हैं। कई तरीके की होती हैं, मेरे चैनल पे मैंने काफ़ी वीडियो डाले हैं और सब में ही इनका उपयोग, क्योंकि मुखड़े ज़्यादा दिए हैं तो मुखड़े के साथ इनका उपयोग है, आप उसमें देखें। और वीडियो को धीमा करने के लिए तीन वर्टिकल डॉट्स होते हैं, उनसे आप वीडियो धीमा करके और उनका प्रयास कर सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी भरावन को या फिलर्स को, उसको देखिएगा।